बीते दिनों ग्वालियर में युवती का अपहरण करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देर रात को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने युवती को भी सकुशल बरामद कर लिया है। बता दें कि भिंड जिले के लहार इलाके के बरा गांव के रहने वाली युवती का बाइक सवार दो युवकों ने अपहरण कर लिया था। वहीं ये पूरी घटना पास के पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ना ये हुई है कल शाम को 8:30 बजे के समथिंग हमें सूचना मिली थी। वहाँ के पड़ोसी हमारी सिस्टर है, जो बहन हमारी चार जगह ना के मुन्ना सिंह वाली गली में रहती है, वहाँ से सूचना आई थी कि आपकी बहन की मारा पीटी कर रहे हैं बहुत जल्दी इमरजेंसी में, आप यहाँ आ जाओ। मैं जाते वहाँ देखा तो वो उसको बहुत तरीके से मार के बेहोश हो चुकी थी और उसकी गर्दन में साफी का फंदा लगा के वो ताकत से खींच रहा था। जैसे ही मैंने उसको जाके देखा, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा था, वो और तेज़ खींचने लगा। जब मैंने उसको छुड़ाया उससे तो मुझ पे हावी हुआ, मोहल्ले वाले से भी पता किया, मैंने कहा तुमने क्यों नहीं छुड़ाया, बहुत देर से मार रहे थे। तो कह रहा वो सबको ये कल रात को एक सूचना आई मतलब मिली थी जिसपे पूनम भदौरिया हैं, उनके साथ उसके पति ने गला घोंट के उनके हत्या का प्रयास किया था, जिस पर से थाना अजीरा पे हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद इलाज के लिए आहत को अस्पताल भेजा गया था, जहाँ से रेफर करके अपने 1000 बेड अस्पताल में भेजा गया, जहाँ पे मृतका की रात को आहता की रात को मृत्यु हो गई थी और उसी की पर मर पंचनामा कार्रवाई चल रही है और अभी जांच में है। कार्रवाई पूनम भदौरिया, पति का नाम है जीतू और जितेंद्र भदौरिया।